गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल अली 95 चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कम्प्लीटली डिटेल में कि एक स्टोन क्रेशर किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड, मेरे बैक साइड में आप क्रेशर देख रहे हैं, ये मेरा पहला ब्लॉक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टोन क्रेशर किस तरह से काम करता है, किस तरह से एक बड़े पत्थर को हम छोटे पत्थर में कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट के रूप में। तो फ्रेंड पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड। तो मैं कम्प्लीटली डिटेल में देखो आपके बताने जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड ये मैं माइंस में आपको दिखा रहा हूँ। माइंस में ये जो मशीन आप देख रहे हैं जो धूल उड़ रही है वो गड्ढा कर रही है पत्थर के अंदर, और उस गड्ढे में हम बारूद डाल के ब्लास्टिंग करेंगे। ब्लास्टिंग करने के बाद फ्रेंड हमारा मोटा मोटा पत्थर निकलेगा। देखिए जैसे कि ये पत्थर आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा पत्थर है, लेकिन अभी साइड में देखिए आपको ये बहुत बड़ा बड़ा पत्थर दिखाई देगा। फ्रेंड ये देखिए उधर बड़ा बड़ा पत्थर है, माइन से इस तरह का पत्थर निकलता है। वो मशीन ब्रेकर बोलते हैं जिस मशीन को, वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करती है तोड़ के। फ्रेंड वो उसको ब्रेक कर देती है पत्थर को, जिसको हम ब्रेकर बोलते हैं। जैसे हमें 500 mm का पत्थर चाहिए तो 500 mm के साइज का वो ब्रेक कर देगी। उसके बाद फ्रेंड जब हमारा पत्थर पूरा साइज के बराबर हो जाएगा, तब इस वाली मशीन से हम फ्रेंड उसको एक डंफर की हेल्प से भर के और क्रेशर में लेकर जाएंगे। देखिए वो मशीन ब्रेक कर रही है, आप देखिए ये हमारा पत्थर ब्रेक हो चुका। हम उसे मशीन की हेल्प से अच्छे से भर रहे हैं एक गाड़ी में, और गाड़ी में भरने के बाद फ्रेंड हम उसको क्रेशर पर लेके जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड ये ब्रेकर मशीन हो गई हमारी, और ये एक्सकवेटर जिसको बोलेंगे, ये गाड़ी हमारी लोड करेगी जो पत्थर को माइन से भर के गाड़ी में डालेगी। अब फ्रेंड देखिए ये क्रेशर आप देख रहे हैं सामने, गाड़ी लोड हो चुकी है, क्रेशर पे पहुंच चुकी है, और मैं आप क्रेशर की तरफ को जा रहा हूं। देखिए गाड़ी ऊपर हमारी हॉपर पर खड़ी है, जिसमें गाड़ी हमारी पत्थर गिराएगी उसको हॉपर बोलते हैं, और उस हॉपर से फ्रेंड हमारा जो पत्थर आएगा वो मशीन में गिराएगा, जिस मशीन का नाम ग्रिजली फीडर है फ्रेंड, जहाँ पर कुछ आदमी बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं पास में जाऊँगा और आपको पूरी वीडियो वहाँ से दिखाऊँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप बेल्ट की हेल्प से इस हॉपर में पत्थर आके गिरेगा। ये जो हॉपर दिख रहा है जॉ क्रेशर वो मशीन है। पहले सबसे पहले ग्रिजली फीडर में आएगा पत्थर, ग्रिजली फीडर से जॉ क्रेशर में आएगा, उसके बाद जॉ क्रेशर से चोट के इस हॉपर में आएगा। देखिए अब ये जॉ क्रेशर आ गया, जॉ क्रेशर जो बड़ी मशीन है वो चल रही है अभी। फ्रेंड हमारी लेबर वाले बैठे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है, मिट्टी ज़्यादा आने की वजह से ग्रिजली फीडर में हमारा मिट्टी का जाम लग गया, तो वो लोग क्लीन कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा पास में जाकर कि वो लोग किस तरह से क्लीन कर रहे हैं ग्रिजली फीडर को। तो देखिएगा फ्रेंड आप वीडियो में लगे रहिए और कंप्लीट नॉलेज आप लीजिए। तो देखिए फ्रेंड मैं अभी मशीन के पास में जा रहा हूँ जॉ क्रेशर के। अभी मैं सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी किस तरह से जाम है। देखिएगा अभी फ्रेंड मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये देखिए दोनों बेल्ट चल रही हैं जॉ क्रेशर की, जो पत्थर को खींच के लेके जाएंगी। अब देखिए मिट्टी पूरी जाम हो गई है ग्रिजली फीडर के अंदर, तो वो लोग उसको क्लीन कर रहे हैं अच्छे से चला के। अभी एक बार जब ये मिट्टी क्लीन हो जाएगी तब हम गाड़ी इसमें अनलोड करेंगे। देखिए ये जॉ क्रेशर की मोटर है, ये जॉ क्रेशर का पिटमैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी नीचे से देखिए फ्रेंड इस तरह से बेल्ट पर मटेरियल गिरता है मशीन से टूटने के बाद, और बेल्ट की हेल्प से हम लोग इसको छोटे हॉपर में डालते हैं। छोटे हॉपर से फिर हम उसको कॉन क्रेशर में लेके जाते हैं तोड़ने के लिए। ये फ्रेंड देखिए साइड में मिट्टी के लिए एक कन्वेयर रहती है, जो हमारे माल के अंदर कुछ मिट्टी आएगी तो इस कन्वेयर से वो साइड में एक मिट्टी एक तरफ चली जाएगी और पत्थर पत्थर हमारा पूरा एक साइड आ जाएगा। तो फ्रेंड देखते रहिए आप फुल वीडियो। अब देखिएगा ये जॉ क्रेशर है, गाड़ी ऊपर खड़ी है। अब गाड़ी हमने अनलोड की है, अभी देख लिए जॉ क्रेशर में हमने गाड़ी अनलोड कर दी है। अब ग्रिजली फीडर से किस तरह से पत्थर मशीन के अंदर आता है मैं अभी ऊपर चढ़ के आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा फ्रेंड। तो आप लगे रहिए, देखिए गाड़ी हम अनलोड कर रहे हैं, गाड़ी अनलोड कर दी है, गाड़ी हॉपर में आ गई है। मोटा मोटा जो पत्थर था हमारा वो पूरा हॉपर के अंदर आ गया है। अब वो पत्थर हॉपर के अंदर आने के बाद ग्रिजली फीडर से किस तरह से मशीन से तोड़ते हैं वो मैं आपको अभी जा कर के दिखाऊँगा। देखिए फ्रेंड मैं मशीन के ऊपर चढ़ने लगा हूँ, अभी देखिए फ्रेंड मशीन के ऊपर आ गया हूँ, और ये हमारा ग्रिजली फीडर है। देखिए ग्रिजली फीडर है, मोटा मोटा पत्थर पूरा ग्रिजली फीडर से चलता हुआ आ रहा है, और चलता हुआ आने के बाद वो पत्थर हमारा जॉ क्रेशर के अंदर जाकर टूट रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। देखिए ये पत्थर आया हमारा, ये कितना मोटा पत्थर है, जॉ क्रेशर में गया
उस पत्थर को तोड़ के जॉक रेसर छोटे छोटे पत्थर के रूप में बना देंगे। अब हम जॉक रेसर की फ्रंट जो गैप रखते हैं वो 115 रखते हैं, 115 से हमें 150 तक का पत्थर मिलता है। ये देखिए फ्रंट कॉर्न क्रेसर का फीडर हो गया। जॉक रेसर से टूटने के बाद पत्थर इस फीडर की हेल्प से हमारा कॉर्न क्रेसर में जाएगा। देखिए ये कन्वेयर लगी है कॉर्न क्रेसर के लिए, उधर फीडर से पत्थर कॉर्न क्रेसर में जा रहा है कन्वेयर पे गिरने के बाद। तो फ्रेंड अभी मैं कॉर्न क्रेसर पे ऊपर चढ़कर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कॉर्न क्रेसर का पैनल है, मैं कॉर्न क्रेसर पर ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ने के बाद आपको दिखाऊंगा ये कन्वेयर का पैनल हो गया। देखिएगा ये ऑपरेटर है, ये कॉर्न क्रेसर की मोटर है और ये हमारा कॉर्न क्रेसर है फ्रेंड। तो इस कन्वेयर से आके हमारा इस कॉर्न क्रेसर में इस तरह से पत्थर गिर रहा है फ्रेंड। तो मैं अभी ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ, देखिएगा कॉर्न क्रेसर में ये देखिए इस तरह से पत्थर गिर रहा है कॉर्न क्रेसर में, और वो गिरने के बाद कॉर्न क्रेसर में पूरा जाकर क्रश हो रहा है फ्रेंड। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट हो गया, पहले हमारा जॉक क्रेसर से पत्थर टूटता है उसके बाद कॉर्न क्रेसर में आता है, अभी हमारा कॉर्न क्रेसर में क्रशिंग हो रहा है पत्थर। इसके बाद ये देखिए छोटा छोटा पार्ट्स में निकल रहा है क्योंकि कॉर्न क्रेसर का जो हम गैप रखते हैं वो 24 mm रखते हैं। तो 24 mm से 50 mm तक का पत्थर निकलता है, एक साइड 24 रहता है एक साइड 50, उसके बाद वो इस स्क्रीन पर गिरता जाके वो स्क्रीन पर गिर रहा है, वहाँ से माल छनने के बाद है ना अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अभी फ्रेंड मैं वाइब्रेटिंग स्क्रीन पर चढ़ के आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से पत्थर छनता है और वाइब्रेटिंग स्क्रीन में कितना जालियां लगी रहती हैं, कितना टाइप्स का जाली रहती है जिसको हम डैक बोलते हैं जहां जाली बैठती है। तो देखिए फ्रेंड ये कॉर्न क्रेसर से मैं स्क्रीन की तरफ चढ़ रहा हूँ, ये कॉर्न क्रेसर का डिस्चार्ज हो गया। अब ये देखिए फ्रेंड ये 20 mm हो गए, स्क्रीन का गेट हो गया, प्रोडक्ट का गेट, यानी छनने के बाद इस गेट से मटेरियल निकलेगा और ये जाकर हमारा प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएगा। ये 20 mm का प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है अभी स्क्रीन से, ये 20 mm प्रोडक्ट हमारा स्क्रीन से डिस्चार्ज हो रहा है और कन्वेयर के थ्रू एक जगह इकट्ठा हुआ। अब ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, हम इस 20 mm को बेच सकते हैं, 20 mm की गिट्टी हो गई। ये देखिए फ्रेंड हमारा ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन है जिसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से हमारा पत्थर छन जाता है, छन के अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें 4 प्रोडक्ट है फ्रेंड, देखिए जो लंबे लंबे बोट दिख रहे हैं वो जाली कसी है उस बोल्ड के थ्रू। तो ये 4 जालियाँ कसी हैं हमारे पास, 5 mm की कसी है, 12 mm की है, 24 mm की है और 40 mm की, 4 जालियाँ। तो 4 प्रोडक्ट हमारे निकलते हैं, ये डस्ट हो गई, 5 mm तक का मटेरियल हमारा निकल रहा है जिसको हम डस्ट बजर फुट बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं कुछ जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये देखिए हमारा फ्रेंड 10 mm का प्रोडक्ट है, ये स्क्रीन की मोटर चल रही है वाइब्रेटिंग स्क्रीन की, स्क्रीन में वाइब्रेशन हो रहा है अच्छी तरह से फ्रेंड। देखिएगा ये मोटर की हेल्प से हम स्क्रीन को चलाते हैं, ये देखिए इसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं जिसके थ्रू स्क्रीन बहुत वाइब्रेशन करती है, जितना अच्छा स्क्रीन में वाइब्रेशन रहेगा उतना अच्छा हमारा पत्थर छनेगा फ्रेंड। तो देखिएगा ये छन के निकल रहा है, ये 10 mm का प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से दिखेगा। देखिए अब ये जॉक रेसर से किस तरह से हॉपर में इकट्ठा होता है पत्थर, वो ऊपर ओवर व्यू में दिखा रहा है स्क्रीन को ऊपर चढ़ के, और वो फीडर से चलता हुआ पत्थर कॉर्न क्रेसर में आता है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी, अभी मैं आपको बताता हूँ ये देखिए प्रोडक्ट के बारे में। ये 40 mm का हमारा प्रोडक्ट था, अभी ये 10 mm का प्रोडक्ट हो गया हमारा, दो प्रोडक्ट हो गए, एक 40, ये 40 mm का प्रोडक्ट हो गया, देखिए 40 mm वाला प्रोडक्ट है, 40 mm की गिट्टी जिसको हम बोलेंगे, ये 40 mm की, ये 12 mm की हो गई, 5 से 12 mm तक का पूरा प्रोडक्ट है हमारा। दो प्रोडक्ट अभी हमारे हो गए 5 से 12 का और 40 mm का, दो प्रोडक्ट हमारे पूरे हो गए जिनको हम अभी सेल कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है डस्ट, जिसको 5 mm तक हम लेते हैं, 5 mm तक का डस्ट जिसको बजर पुट भी बोलते हैं फ्रेंड, जिसको वाशिंग करने के बाद भी हम बेचते हैं, बिना वाशिंग किए भी इसको बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा 5 mm तक का डस्ट हो गया। अब फ्रेंड इसके आगे हमारा 3 प्रोडक्ट ये हो गए, अब 20 mm बचा फ्रेंड, मैं दिखाता हूँ 20 mm हमारा वो निकल रहा है। देखिए ये 20 mm हो गया हमारा, 20 mm की सेल सबसे ज़्यादा रहती है, इसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा रहती है क्योंकि ये हर चीज़ में यूज होता है। तो फ्रेंड देखिए मैंने कम्प्लीटली जानकारी आपको दे दी है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया फ्रेंड। तो कंप्लीट क्रेसर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, अब कुछ भी आपको डाउट है कुछ भी है तो फ्रेंड आप कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड
अभी मैं क्रेशर से काफ़ी दूर आ गया हूँ और क्रेशर चल रहा है। अभी मेरे जाने का टाइम हो गया रूम पर, तो फ्रेंड मैं जा रहा हूँ। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है क्रेशर से रिलेटेड, सर्विस के रिगार्डिंग, फ्रेंड स्पेयर के रिगार्डिंग, किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।